लोकरोपरी अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वं कष्टं हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारे घर पे पूजा रखी गई है, तुलसी विवाह है। तो उससे पहले सारे नवग्रह और जो भी पूजा होती हैं वो पहले होगी, उसके बाद में तुलसी विवाह होगा, हवन होगा। देन आप वीडियो के एंड में बने रहेगा और तुलसी विवाह नेक्स्ट डे होगा। आज सिर्फ सारी पूजा होंगी और जो एकादशी कथा होती है वो होगी। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। दाना छोड़ना है, गणेश जी के आसन का पूजन हो रहा है। एक एक दाना छोड़ना है, नमः नमः बोलना है। इसको पीठ पूजन कहते हैं, आसन पूजन। ओम तिब्राय, ओम ज्वालिने, सब छोड़ दो, सब सीधे हाथ में, सर्व सप्त कमलासनाय लक्ष्मी जी का ध्यान, अम्बे अम्बिके ध्यान समर्पयामि। फूले के हाथ जोड़ लो, पहले नवग्रहों का ध्यान कर लो। सूर्य मंगलो मंगला गुरु सगुरु एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक समय में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उनकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगे गाने लगा। नाम राजकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को साप दिया कि अरे दुष्ट पक्षी एकादशी का नाम बरुथिनी है, वह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग हो गए। ये बरुथिनी एकादशी व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथिनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुथिनी एकादशी का व्रत इस मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें उत्तम तिलों का दान है, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्या दान के बराबर माना गया है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान कन्या दान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में लोभ के वश में होकर लाभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्या दान का फल मिलता है। बरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कहते हैं बरुथिनी एकादशी यानी कांसे के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन कांसे के व्रतों में भोजन करना चाहिए। मांस और
मसूर की दाल, चना, कोदा, साग, मधु सहित दूसरों का अन्न, दूसरे बाहर भोजन करना, स्त्री संग इत्यादि अन्य किसी के भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जुआ आदि, उस दिन जुआ नहीं, जुआ आदि इत्यादि गलत कार्यों से और कहते हैं नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। तो आज की पूजा समाप्त हो चुकी है और मैंने आपको शॉर्ट में दिखाई है, वरना पूजा बहुत बड़ी थी, इतनी वीडियो बना नहीं सकती थी। तो कल मिलते हैं आपसे तुलसी विवाह में। राधे राधे।